दोस्तों अगर आप हार्दिक पांडे को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन आखिरकार आ ही गया। जिस दिन आईपीएल को अपना एक और विजेता मिल जाएगा तो दोस्तों आखिर आईपीएल 2022 का आग लगा देने वाला फाइनल मुकाबला कब और कहां और कैसे व किस टीम के बीच खेला जाएगा, साथ ही साथ दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 होगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राजस्थान और गुजरात में से कौन सी टीम टूर्नामेंट की विजेता टीम बनेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला फाइनल मुकाबला दो खतरनाक टीम राजस्थान और गुजरात के बीच खेला जाएगा, जिसमें गुजरात की टीम तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार आईपीएल खेल रही है और पहली बार फाइनल में पहुंचकर पहली बार विजेता बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रोकने के लिए संजू सैमसन के रजवाड़े खड़े हैं जो दूसरी बार फाइनल में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की टीम पहली बार साल 2008 में फाइनल में पहुंची थी और स्वर्गीय शेन वॉर्न की कप्तानी में फाइनल जीतकर आईपीएल की पहली विजेता टीम बनी थी। लेकिन इसके बाद कभी भी राजस्थान की टीम फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन इस बार गुजरात और राजस्थान की भी एक खतरनाक घमासान देखने को मिलेगी, जिसमें दोनों ही टीमें बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें गुजरात की प्लेइंग 11 के बारे में, तो गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साह ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आएंगे, जिसमें दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार चार अर्धशतक लगा चुके हैं और अपने खतरनाक फॉर्म में हैं और टीम को शानदार शुरुआत दे सकते हैं। तो वहीं मध्यक्रम में मैथ्यू वेड टीम को बेहतर शुरुआत बड़ी पारी खेलकर दिला सकते हैं और इसके अलावा खुद कप्तान हार्दिक पांड्या टीम की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करेंगे और इसके बाद किलर मिलर जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे वो बल्लेबाजी करके मुकाबला एक बार फिर से जिताने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ पीछे से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार फिनिश करने के लिए राहुल तेवतिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। और गेंदबाजों की बात करें तो राशिद खान के साथ साई किशोर टीम को बेहतर गेंदबाजी प्रदान कर सकते हैं और तेज गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन, यश दयाल और मोहम्मद शमी टीम की तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तो वहीं राजस्थान की तरफ से एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर की ताबड़तोड़ जोड़ी मैदान पर उतर सकती है और शानदार प्रदर्शन कर सकती है, जिसमें बटलर चार शतक लगाकर ऑरेंज कैप के विजेता हैं। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान संजू सैमसन तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और इसके अलावा देवदत्त स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करेंगे। तो वहीं हिट मायर अंत में बेहतरीन बल्लेबाजी करके तेज तर्रार समाप्ति करेंगे। तो वहीं रियान पराग भी टीम को रविचंद्रन अश्विन के साथ बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मजबूती दिलाएंगे। और गेंदबाजों की बात करें तो युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी में गुजरात के बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं और इस समय युजवेंद्र चहल पर्पल कैप के विजेता भी हैं। तो वहीं तेज गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और मकवाय की पेस तिकड़ी एक बार फिर से तेज गेंदबाजी के दौरान कहर ढा सकती है और ऐसी प्लेइंग 11 के साथ राजस्थान और गुजरात उतरती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहीं फाइनल मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 8 बजे से खेला जाएगा और इसके पहले 6:30 बजे से आईपीएल में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे तड़का लगाने के लिए आएंगे। तो साथ ही साथ इसका लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार नई टीम विजेता बनेगी या फिर लंबे अरसे के बाद फाइनल खेल रही पुरानी टीम? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।